अध्याय 205 रैंकिंग टूर्नामेंट गहन शक्ति आकलन। अब इस बूढ़े आदमी को इस रैंकिंग टूर्नामेंट के पुरस्कार की घोषणा करने दो। लिंग वुगो के शब्दों ने सभी को अपनी निगाहें फिर से उस पर केंद्रित कर दी और ईमानदारी से सुना। हर एक रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार अलग था। उन्होंने केवल लिंग वुगो को पढ़ा। रैंकिंग टूर्नामेंट की व्यक्तिगत रैंकिंग में तीसरा स्थान एक पर्पल स्ट्राइप्ड ड्रैगन हार्ट पैलेट प्राप्त करेगा। व्यक्तिगत रैंकिंग में दूसरा स्थान पर्पल वेंड मैरो क्वेंचिंग फ्लूइड की 3 बूंदें प्राप्त होंगी। जैसा कि लिंग वुगो ने यहां तक कहा था, नीचे के दर्शक पहले से ही सदमे के रोने से भरे हुए थे। पर्पल स्ट्राइप्ड ड्रैगन हार्ट पैलेट और पर्पल वेंड मैरो क्वेंचिंग फ्लूइड के नाम सीटों पर मौजूद सभी लोगों के कानों के पर्दे से टकराने वाली गड़गड़ाहट की तरह थे, क्योंकि ये सब देवतुल्य औषधियां थीं जिन्हें अपार धन के साथ भी प्राप्त करना मुश्किल था। पूर्व को ट्रू ड्रैगन गहन कोर की शक्ति को परिष्कृत करके बनाए जाने की अफवाह थी और इसे लेने वालों के सभी गहन प्रवेश द्वारों को अगले महीने के लिए खोल दिया जा सकता था, जिससे उनकी खेती की गति कई गुना बढ़ गई। उत्तरार्ध किसी के अस्थि मज्जा और मस्तिष्क को परिष्कृत कर सकता है, उनके शारीरिक और मानसिक कौशल को काफी हद तक बढ़ा सकता है, जिससे व्यक्ति को स्थायी लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। ये दो दवाएं अतुलनीय रूप से प्रसिद्ध और कीमती थीं, और उन्हें खरीदना लगभग असंभव था, चाहे किसी के पास कितनी भी बड़ी राशि क्यों न हो। विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लिए पर्पल स्ट्राइप्ड ड्रैगन हार्ट पैलेट और पर्पल वेंड मैरो क्वेंचिंग फ्लूइड पूरी तरह से और वास्तव में चमत्कार की दवाएं थीं। उपस्थित सभी प्रतिभागी शिष्य, जिनमें शीर्ष संप्रदाय के शिष्य भी शामिल थे, पहले से ही अपनी आंखें कठोर करके घूर रहे थे, क्योंकि उनके गले से लगातार घूरने की आवाजें आ रही थीं। हालांकि इन दो प्रकार की दवाओं में से एक को प्राप्त करने की शर्तें बेहद कठोर थीं। 1000 और 500 टिप शीर्ष प्रतिभाओं के बीच शीर्ष 3 स्थानों तक उठना वास्तव में स्वर्ग पर चढ़ने की कोशिश करने से कठिन था। व्यक्तिगत रैंकिंग में पहला स्थान एक स्काई गहन कलाकृति ड्रैगन स्केल कवच प्राप्त करेगा, जो शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र से उत्पन्न होता है। वाह! जिस क्षण पहले स्थान के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई, पूरे दर्शक तुरंत ऐसे चिल्ला उठे जैसे कि एक पैन में गर्म तेल और लंबे समय तक मर नहीं सका। आकाश गहन कलाकृति ड्रैगन स्केल कवच। जैसा कि शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र से उम्मीद की जाती है, यह वास्तव में हाथों का एक शो है जो इच्छा होने पर भी शांत रहना मुश्किल बनाता है। ज्यो संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ज्यो जुएटियन ने सदमे से भरे चेहरे के साथ कहा, मैंने सुना था कि यह ड्रैगन स्केल कवच एक सच्चे ड्रैगन से ड्रैगन स्केल द्वारा बनाया गया था। अतुलनीय रूप से कठिन होने के बावजूद इसमें विदेशी गहन ऊर्जा के प्रति एक निश्चित मात्रा में चिंतनशील गुण भी होते हैं। हाथ में ड्रैगन स्केल कवच के साथ यह एक होने के बराबर है, नहीं कई और जीवन। लियर, इस बार आपको निश्चित रूप से 120% प्रयास करना होगा। इस ड्रैगन स्केल कवच के लिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, भले ही यह लिंगियों का सामना कर रहा हो और शुरू से ही जब्त की घोषणा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ज़ियो क्वांगली ने जवाब में जबरन अपना सिर हिलाया। पूरे ब्लू वाइन साम्राज्य में स्काई गहन रैंक के केवल 3 सुरक्षात्मक कवच हैं। इसके अलावा उनमें से कोई भी इस ड्रैगन स्केल कवच से मेल नहीं खा सकता था। बर्निंग हेवन कबीले के ग्रेट एल्डर फेन मोली भी अब शांत नहीं रह सकते थे। हालांकि वह ज़ियो जुएटियन की तरह आशावादी नहीं था और उसकी अभिव्यक्ति जल्दी से फिर से नीरस हो गई। हालांकि अफसोस की बात है कि यह ड्रैगन स्केल कवच केवल हमारी आंखों को चकाचौंध करने के लिए उपयोग किया जाता है। यहां लिंग यून के साथ जो उसके खिलाफ जीत सकता है। मैं यहां जो देख रहा हूं, उससे यह एक महान उपहार हो सकता है जिसे लिंग उन शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र से लाया था। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए हमारी आंखों को उकसाने के साधन के रूप में अंत में यह अभी भी उनके कब्जे का कुछ होगा। लिंग वुगो की घोषणा जारी रही। रैंकिंग टूर्नामेंट में शीर्ष 10 बल टूर्नामेंट के बाद टीमों में हेवन बेसिन सीक्रेट रियलम का पता लगाने के लिए योग्य होंगे।
रैंकिंग टूर्नामेंट में शीर्ष 10 बलों स्वर्गीय बेसिन गुप्त क्षेत्र की खोज के बाद शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र के एल्डरलिंग कुन द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए दानव सीलिंग अनुष्ठान को अपनी आंखों से देखने का अवसर मिलेगा। दानव सील अनुष्ठान वह क्या है? क्यों चेने किन वुशांग की दिशा में हैरान होकर पूछा। किन वुशांग थोरे सोचा, रब ने मधेरे निश्चित छैन भने। इस बार गिनते हुए मैं यहाँ कुल मिलाकर 3 बार आया हूँ, फिर भी मैंने इस तरह के इनाम के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन दानव शब्द मैंने सुना है। यह अफवाह थी कि 100 साल पहले माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन ने हेवनली स्वॉर्ड विला में एक दानव भेजा था और इसे स्वॉर्ड मैनेजमेंट टेरेस के नीचे सील कर दिया था। तलवार प्रबंधन छत के केंद्र में वह विशाल तलवार उस दानव को सील करने के लिए ठीक मौजूद है। शायद इस मुहर को थोड़ी देर में एक बार प्रबलित करने की आवश्यकता है, या शायद यही कारण है कि यह लिंग कुन स्वर्गीय तलवार विला में आया था। ब्लू वाइंड रैंकिंग टूर्नामेंट के इस सत्र को देखने के लिए नहीं था, बल्कि इसके बजाय उस सील को मजबूत करने के लिए था। बेशक यह केवल एक अनुमान है। स्वर्गीय तलवार विला के एक दानव होने का मामला जो माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन द्वारा यहाँ भेजा गया था, यूचे ने कैंग यू को मनमाने ढंग से इसका उल्लेख करते हुए सुना था, क्योंकि उसने उसे स्वर्गीय तलवार विला पेश किया था। उसकी निगाहें चारों ओर घूम गईं और पाया कि ज्यादातर लोग भ्रमित भावों के साथ एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। स्पष्ट रूप से वे सभी नहीं जानते थे कि तथाकथित दानव सीलिंग अनुष्ठान क्या था। समय आ गया है, अब यह बूढ़ा आदमी घोषणा करता है, ब्लू वाइंड रैंकिंग टूर्नामेंट का यह सत्र आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। विशाल तलवार प्रवचन अखाड़ा तुरंत शांत हो गया। कोई केवल लिंग वुगौ डगमगाने की आकृति देख सकता था, वह पहले ही हवा में उड़ चुका था। धुंधले भूरे प्रेत की एक पंक्ति छोड़कर वह पलक झपकते ही तलवार प्रवचन एरिना के मृत केंद्र पर उतरा। वहां एक विशाल गहरा आकलन पत्थर पहले से की जगह में खड़ा था। इस सत्र के रैंकिंग टूर्नामेंट में कुल 513 क्षेत्रीय बलों को रैंक किया जाना है और इसमें 1535 भाग लेने वाले शिष्य शामिल हैं। भाग लेने वाले प्रत्येक शिष्य की आयु 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आयु सीमा के भीतर जो कोई भी नहीं है उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। अब रैंकिंग टूर्नामेंट की बहुत ड्राइंग शुरू होती है। संख्या तैयार करने से पहले किसी को उम्र और गहन शक्ति के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए और फिर सभी की जगह में खड़ा था। इस सत्र के रैंकिंग टूर्नामेंट में कुल 513 क्षेत्रीय बलों को रैंक किया जाना है और इसमें 1535 भाग लेने वाले शिष्य शामिल हैं। भाग लेने वाले प्रत्येक शिष्य की आयु 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस आयु सीमा के भीतर जो कोई भी नहीं है उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा। अब रैंकिंग टूर्नामेंट की बहुत ड्राइंग शुरू होती है। संख्या तैयार करने से पहले किसी को उम्र और गहन शक्ति के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए और फिर सभी को युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट व्यक्तियों के नाम भी बताएं। अब भाग लेने वाले शिष्य इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा बुलाए गए गहन शक्ति मूल्यांकन और लॉट नंबर ड्राइंग के लिए तुरंत आते हैं। रैंकिंग टूर्नामेंट के हर एक सत्र में गहन शक्ति मूल्यांकन हमेशा एक आवश्यक प्रक्रिया रही थी। हालांकि इस गहन शक्ति मूल्यांकन के लिए वास्तव में परीक्षण किया गया गहरा ताकत नहीं था, बल्कि इसके बजाय उम्र थी। आखिरकार रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने वाले शिष्य की उम्र की ओर एक बेहद कड़ा प्रतिबंध था। स्काई ब्लेड कबीले के लिए बदाओ जी होंग ये चांग किंग लिंग वुगो द्वारा जिन 3 नामों को पुकारा गया था वे तुरंत बैठने से नीचे चले गए और एक एक करके गहन मूल्यांकन पत्थर पर अपनी हथेली रख दी। परिणामी आयु क्रमशः 19, 20 और 20 थी
संबंधित गहन शक्ति रैंक स्पिरिट डेप्थ रियलम रैंक 3, स्पिरिट डेप्थ रियलम रैंक 2 और स्पिरिट डेप्थ रियलम रैंक 2 थे। बाद में उन्होंने पक्ष में अपने स्वयं के रैंकिंग टूर्नामेंट नंबर आकर्षित किए और अपनी सीटों पर लौट आए। थंडरबोल्ट माउंटेन के वो म्यू, वो फेरान, वो किंग्युन N0V3LTR0V ने N0V3LB1N पर इस अध्याय की रिलीज के लिए मूल होस्ट के रूप में कार्य किया। स्काई रिवर क्लाउड पैवेलियन, चंद्रमा पूजा संप्रदाय, डिवाइन क्लाउड आइल, भाग लेने वाले शिष्यों की लहरों के बाद लहरें इकाइयों के रूप में संप्रदायों के साथ ऊपर आईं और गहन शक्ति मूल्यांकन के साथ साथ संख्या ड्राइंग भी की। पिछले सत्रों की तरह भाग लेने वाले अधिकांश शिष्यों की आयु 19 और 20 वर्ष के वर्ग में थी। 18 साल के बच्चे पहले से ही बहुत दुर्लभ थे और 17 बेहद कम। 16 के लिए लगभग आधे शिष्य पहले ही ऊपर जा चुके थे, लेकिन अभी भी एक भी नहीं था। इसके अलावा इन भाग लेने वाले शिष्यों में से 90% से अधिक आत्मा गहन क्षेत्र के पहले स्तर और आत्मा गहन क्षेत्र के पांचवें स्तर के बीच केंद्रीकृत एक गहन शक्ति थी। जो आत्मा गहन क्षेत्र के पांचवें स्तर को पार कर गए वे दसवें तक भी नहीं पहुंचे। 20 साल से कम उम्र में स्पिरिट डेप्थ रियलम में कदम रखने में सक्षम होने के लिए भले ही वह ब्लू विंड एम्पायर की इंपीरियल कैपिटल में हो, किसी को जीनियस के भीतर जीनियस माना जाएगा। यहां तक कि ब्लू वाइंड के नंबर एक गहन पैलेस के लिए विदेशी फेन जुचेन सहित केवल 3 लोग थे। फ्लोटिंग क्लाउड और न्यू मून जैसे उन छोटे शहरों के लिए कोई भी इसकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन यहां इसे केवल सामान्य तक ही घटाया जा सकता है। और आत्मा गहन क्षेत्र और उससे ऊपर के पांचवें स्तर के युवा गहन चिकित्सकों के लिए वे स्वर्ग द्वारा धन्य विलक्षण के भीतर स्वर्ग द्वारा धन्य विलक्षण होंगे, साथ ही रैंकिंग टूर्नामेंट के शीर्ष स्तर के समूह भी होंगे। सच्चे गहन क्षेत्र के लिए कम से कम अब तक एक भी नहीं था। जियो संप्रदाय के जियो कुंगलेई, जियो जेन, जियो नान। जिस क्षण जियो संप्रदाय नाम की घोषणा की गई, पूरे दर्शक अचानक फिर से शांत हो गए। ब्लू वाइन साम्राज्य, में विस्मय को प्रेरित करने वाले 4 प्रमुख संप्रदायों ने आखिरकार मंच में प्रवेश करना शुरू कर दिया। जियो संप्रदाय के 3 भाग लेने वाले शिष्य बैठने की जगह से बाहर निकले और कंधे से कंधा मिलाकर तलवार प्रवचन क्षेत्र के केंद्र की ओर चले गए। यहाँ तक कि जिस तरह से वे चलते थे वह अन्य संप्रदायों के शिष्यों से अलग था। उनकी भावों के बीच एक गर्वित हवा थी जो लगभग स्वाभाविक लग रही थी। जियो कुंगलेई 20 वर्ष, स्पिरिट गहरा दायरे स्तर 9। जियो कुआंगली ने सबसे पहले गहन शक्ति मूल्यांकन किया, जैसा कि परिणाम दिखाया गया था मंच के नीचे से विस्मयादिबोधक का एक विस्फोट आया। विशेष रूप से वे शिष्य जो आमतौर पर घमंडी थे और उन्हें अपने क्षेत्रों में नंबर एक कौतुक कहा जाता था, वे तुरंत चौड़ी आंखों वाले और सुस्त जबड़े वाले हो गए और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। मात्र 20 वर्ष की आयु में वह वास्तव में पहले से ही आत्मा गहन क्षेत्र के 9वें पद पर था और पृथ्वी गहन क्षेत्र में प्रवेश करने से केवल 2 कदम दूर था। यह कैसे संभव था, वे अपने कांपते दिलों के भीतर चिल्लाते थे। कानों के बगल में सुनाई देने वाले विस्मयादिबोधक ने जियो जेन को एक ठंडी खर्राटे का उत्सर्जन किया, क्योंकि उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना हाथ गहन आकलन पत्थर पर दबाया। जियो जेन 20 वर्ष, स्पिरिट गहरा दायरे स्तर 9। इस बार वे युवा शिष्य जो पहले से ही चौड़ी आंखों वाले और ढीलेज बड़े वाले थे, अपनी आंखों को और भी चौड़ा कर रहे थे। उन्होंने पहले केवल अपने कानों से 4 प्रमुख संप्रदायों का विस्मयकारी नाम सुना था, फिर भी इस बार उन्होंने अपनी आंखों का उपयोग किया था और वास्तव में 4 प्रमुख संप्रदायों की भयावहता देखी थी। जियो नान आखिरी था। जियो नान 18 वर्ष, स्पिरिट गहरा दायरे स्तर 6। भले ही जियो नान की गहरी ताकत तीनों में सबसे नीचे थी, लेकिन वह जियो कुआंगली और जियो जेन से 2 साल छोटा था। इस उम्र में इस गहन ताकत रैंक के साथ सदमे कारक पिछले 2 की तुलना में थोड़ा कमजोर नहीं था।
कुछ ही समय बाद बर्निंग हेवन कबीले के 3 भाग लेने वाले शिष्य भी उसी समय मंच पर गए। फेन जिन 20 वर्ष स्पिरिट गहरा दायरे स्तर 9, फेन जुएबी 20 वर्ष स्पिरिट गहरा दायरे स्तर 8, फेन युआंगे 19 वर्ष स्पिरिट गहरा दायरे स्तर 7, फेन जिन बर्निंग हेवन कबीले के ग्रेट एल्डर फेन मोली के सबसे बड़े पोते हैं और इस टूर्नामेंट में बर्निंग हेवन कबीले के लिए नंबर 1 शिष्य भी हैं। फेन जुएबी के लिए उनकी योग्यता फेन जुचेन से नीच है और इस रैंकिंग टूर्नामेंट में बर्निंग हेवन कबीले के लिए नंबर 1 मुख्य पात्र नहीं बन सकता है। किन वुशांग ने एक सनक पर समझाया, फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के शुई वुशुआंग वु जुएक्सिन जिया किंग्यू। 4 प्रमुख संप्रदायों में फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में शिष्यों की संख्या सबसे कम थी, क्योंकि जब फ्रोजन क्लाउड असगार्ड अपने शिष्य को चुनता है तो न केवल यह महिलाओं तक ही सीमित था बल्कि उन्हें योग्यता प्रतिभा के साथ साथ उपस्थिति के लिए भी। बेहद सख्त आवश्यकता थी और इसलिए अगर कोई शिष्यों की औसत ताकत के बारे में बात करता है तो यहाँ तक कि स्वर्गीय तलवार विला भी फ्रोजन क्लाउड असगार्ड से मेल नहीं खा सकता है। उसी समय फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के शिष्यों में से हर एक खिलते फूलों की तरह सुंदर था। नंबर 1 सौंदर्य चुयुचन, जिसने अनगिनत युवा और प्रतिभाशाली पुरुषों को मोहित कर दिया था, ठीक फ्रोजन क्लाउड असगार्ड से आया था। जैसा कि अपेक्षित था, जब फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की 3 महिलाएं बाहर आईं, तो पूरा परिवेश तुरंत लगातार गल्पिंग की गूंज से भर गया। युवा शिष्य जो इस स्थान पर पहुंचने की क्षमता रखते थे, वे पहले से ही अपने क्षेत्रों के शिखर के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उनके निपटान में सभी प्रकार की सुंदर महिलाएं थीं। लेकिन आम महिलाएं फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की महिला शिष्यों की गुणवत्ता की तुलना कैसे कर सकती हैं? उनके चारों ओर प्राकृतिक बर्फ के अरोरा तैर रहे थे जो उनके स्वप्निल वातावरण को और भी बढ़ा देते थे। आखिरी युवती का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, इसलिए उसका असली चेहरा देखने का कोई तरीका नहीं था। युवा शिष्यों की निगाहें शुई वुशुआंग और वु जुएक्सिन के सुंदर चेहरों और आकृतियों पर केंद्रित थीं, जो इतनी देर तक घूरते रहे कि उनकी चौड़ी आंखें लगभग ऊर्ध्वाधर हो गई थीं, जैसे कि उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ दिया हो। जीजा जी, जल्दी देखो, यह बड़ी बहन है। हालांकि जिया किंग्यू ने घूंघट पहना था, फिर भी जिया युआनबा ने उसे एक नजर में पहचान लिया। उसने तुरंत यूनचे की बांह पकड़ ली और उत्तेजना से चिल्लाया। शक यूनचे ने जल्दी से उसे चुप करा दिया और धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि वह किंग्यू है और मुझे पहले से ही पता था कि वह इस रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेगी। आप मुझे जीजा भाला कह सकते हैं, लेकिन आपको उसे फिर से बड़ी बहन नहीं कहना चाहिए। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की महिला शिष्यों को शादी करने से मना किया जाता है। अगर कोई और किसी चीज के बारे में सुनता है तो यह उसके लिए हानिकारक होगा, हमें भी अनावश्यक ध्यान मिलेगा। जिया युआनबा ने तुरंत दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया, बार बार सिर हिलाया और जोर से चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। यूचे की निगाह जिया किंग्यू की पीठ पर पड़ी, क्योंकि उसका दिल तेज हो गया। 1.5 साल हो गया था जब उसने उसे आखिरी बार देखा था और वह स्पष्ट रूप से लंबी हो गई थी। मूल अतुलनीय रूप से पतला और सुंदर नाजुक शरीर और भी पूरी तरह से सुंदर हो गया था। बस उसे पीछे से देखना ही कल्पना करने के लिए पर्याप्त था कि वह किस तरह की अद्वितीय सुंदरता बन गई थी। एक बार जब उसने अपना घूंघट उतार दिया तो उसका चेहरा शायद बहुत पहले से और भी अधिक सांस लेने वाला हो गया था। घूंघट पहने वो लड़की है युआनबा की बड़ी बहन, आपकी पत्नी। दूसरों ने यह नहीं सुना कि युआनबा ने क्या कहा था, लेकिन उनके बगल में बैठे कैंग यू ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। उसने जिया किंग्यू को अपने चेहरे पर कुछ हद तक खाली नजर से देखा। अपने प्रेमी की पत्नी को देखते समय उसकी आवाज और अभिव्यक्ति सभी ने एक अवर्णनीय जटिल भावना प्रकट की, इस बात की परवाह किए बिना कि उनके मन में एक दूसरे के लिए वास्तविक भावनाएं थीं या नहीं, भले ही वे वास्तव में पति पत्नी हो या न हो।
वह अभी भी उसकी पत्नी थी। उन्होंने आधिकारिक रूप से शादी की, स्वर्ग और पृथ्वी का सम्मान किया, अपने बुजुर्गों को सम्मान दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के गवाह के रूप में।